वेजीटा, दिन भर ट्रेनिंग करते रहते हो, घर के लिए भी कुछ काम कर लो। गोकू को देखो, खेती करके घर चला रहा है। वो तो है ही खेत का बैल, मगर मैं हूँ प्रिंस वेजीटा, मैं ये सारे काम नहीं करूँगा। अच्छा, तो दिवाली आ रही है, कम से कम पटाखों की दुकान तो लगा लो, कुछ कमाई हो जाएगी। ये तो तुम भूल ही जाओ। ठीक है, फिर मैं सबको बता दूंगी कि पिंक कलर तुम्हारा फेवरेट है। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगी बुलमा। बिल्कुल कर सकती हूँ, दिखाऊं तुम्हें अभी करके? अच्छा ठीक है मैं करता हूँ, मगर ये बात किसी को नहीं बताना। नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हारी हेल्प के लिए मैंने क्रिलिन को भी बुला लिया है। क्रिलिन, वो टकला, अरे उसकी तो वेजीटा, गाली नहीं। मैं कह रहा था कि उस टकले की मुझे जरूरत नहीं। कोई सवाल नहीं, अब जाओ। हे वेजीटा, इधर इधर, हम मिल के सारे पटाखे बेच देंगे। फालतू बकवास बंद करो, करना क्या है ये बताओ। कस्टमर हमारी दुकान तक आए, इसलिए हमको चिल्लाकर उन्हें बुलाना होगा। क्यों, लोगों को इतनी बड़ी दुकान नहीं दिखाई दे रही? समझा करो, ऐसा करना जरूरी है। ठीक है, पटाखे ले लो, नहीं तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। जो हमारी दुकान में नहीं आएगा उसको मैं घर में घुस के मारूंगा। अरे वेजीटा, ये क्या कर रहे हो? ऐसे लोग डर जाएंगे और कोई हमारी दुकान पे नहीं आएगा। तुम रहने दो, मैं ही कुछ करता हूँ। तुम बस दुकान पे जो कस्टमर आए उन्हें पटाखे देना। चलो ठीक है। अरे अंकल, मुझे फुलझड़ी के लिए, मेरा मतलब शिजुका के लिए फुलझड़ी चाहिए। ये लो। शुक्रिया, ये लो पैसे। रहने दो। अरे ये लो पैसे। तुझे कहा ना, जब नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए, समझ नहीं आती क्या? ये फुलझड़ी ले और निकल यहाँ से। डोरेमोन, मेरी मदद करो। क्रेलेन, क्या हुआ? एक बात बताओ, मैंने कस्टमर को फुलझड़िया दी और उसने बदले में मुझे पैसे दिए, मैं क्या भिखारी लगता हूँ? हाँ। क्या? नहीं नहीं, उस कस्टमर को क्या लगा मेरे अंदर अकल नहीं है, मुझे दुकान चलानी नहीं आती। क्रेलेन तुम बताओ, क्या मेरे अंदर अकल नहीं है? नहीं नहीं। क्या तेरी तो? हाँ। न जाने वो कस्टमर क्या समझता था खुद को। जब कोई कस्टमर दुकान पे आए तो दुकान वाले को पैसे लेने चाहिए कस्टमर से। अगली बार कोई आएगा तो उससे पैसे ले लेना, ठीक है? भूल जाओ, कभी नहीं। ले लेना, वरना बुलमा पिंक शर्ट वाला सीक्रेट सबको बता देगी। ठीक है, तुम दुकान संभालो, मैं अभी आया। कहाँ जा रहे हो? क्रेलेन रुको। हे, क्या तुमने सासके को देखा? ससू, सास, मैंने किसी की भी सास बहू को नहीं देखा। मैं फिर से नाकामयाब हुआ, मैं अपने दोस्त तक को नहीं बचा सका तो होकागे क्या बनूंगा। ओ हाँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो मार्वल स्टूडियो का एड्रेस क्या है? वह जगह सासके को ढूंढने की मेरी आखिरी उम्मीद है। पराठे वाले गली से लेफ्ट ले लेना, मिल जाएगा मार्वल स्टूडियो। शुक्रिया, तो अब मैं चलता हूँ क्योंकि यही मेरा निंजा वे है। Believe it. ओए रुक, मेरे पैसे तो दे के जा। अरे कैसे पैसे, मैंने तो बस एड्रेस पूछा है। हाँ हाँ, जरा चालाकी मत कर, चल जेब ढीली कर। क्रेलेन ये पैसे नहीं दे रहा है। अरे लेकिन जब मैंने दुकान से कुछ खरीदा ही नहीं तो कैसे पैसे? ये दुकान चलाने में थोड़ा अनाड़ी है, आप जाइए। सासके, मैं आ रहा हूँ। वेजीटा, जब दुकान से कोई कुछ खरीदता है तो पैसे लेते हैं, ऐसे नहीं करते जैसे तुमने किया। कभी कुछ कहते हो कभी कुछ, तुम इंसानों के भी अजीब ही नखरे हैं। भले ही कोई कस्टमर ना आ रहा हो मगर आज मौसम बहुत ही अच्छा है। आ तेरी तो, किस कुत्ते के बच्चे ने ये किया है? सामने आ। डैड, वो मेरा जूता है, मैं सामान लेके जा रहा था तो जूता ढीला हो गया, मुझे वक्त नहीं मिला इसे ठीक करने का। वेजीटा, तुमने तो अपने आप को ही गाली दे दी। एक शब्द और कहा तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ट्रंक्स, तुम घर आओ, आज से तुम्हारी पॉकेट मनी कट। क्या? ये गलत बात है। आ घर, गलत सही बताता हूँ। क्रेलेन, ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे, समझे ना? हाँ हाँ, मैं समझ गया, अब दुकान पर ध्यान दो। हे, अब इस बार मैं यहाँ से कुछ खरीदने आया हूँ। वेलकम वेलकम। हाँ वेलकम, जो इसने कहा। जब तुमने मुझसे पैसे मांगे थे तो मुझे महसूस हुआ कि तुम्हारी जिंदगी में भी जरूर कोई मकसद है। मेरा मकसद बस एक ही है, टैकर रॉड को हराना। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, मैं भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह था। वैसे
तुम ये पटाखे क्यों बेच रहे हो? क्या तुम्हारी कोई मजबूरी है? तुम मुझे बता सकते हो? Believe it. कोई मजबूरी नहीं है, ये पटाखे देख ले और खरीद ले चुपचाप। अगर मैं पटाखे खरीद लूंगा तो तुम क्या जलाओगे दिवाली में? उसकी चिंता तुम मत करो, मैं कहीं और से खरीद लूंगा। क्यों, यहाँ के पटाखे अच्छे नहीं है क्या? तुमसे तो अच्छे ही है, तो कहीं और से क्यों खरीदोगे? खैर सर, ये देखो, ये है चक्री। मैंने तो सिर्फ चक्रा नेचर सुना था, ये चक्री कौन सा पटाखा है? इसे जमीन में रखो और ये गोल गोल घूमती है। इस चक्री को चक्कर नहीं आते क्या गोल गोल घूम के? तो फिर ये देखिए, ये है रॉकेट, इसको नीचे से जलाओ और ये ऊपर जाएगा प्रर करके। लेकिन दिवाली तो हम नीचे मनाते हैं, पर ये पटाखे ऊपर क्यों जाते हैं? रुक जा, अभी बताता हूँ ये क्यों ऊपर जाएगा। भागो यहाँ से। टीवी पर CID 10 बजे आता है, सोचा तब तक टाइम पास कर लूं। भागो यहाँ से। घर पहुँचते पहुँचते तो शुरू हो ही जाएगा। भागो यहाँ से। Believe it. अगली बार से ढंग के कस्टमर नहीं आए तो तुझे नहीं छोड़ूंगा क्रिलिन। इसमें मेरी क्या गलती है? चुप कर। हे सुनो, जल्दी करो ये माइंडस्टोन रख लो। अरे हमारा खुद का सामान नहीं बिका, आपका कैसे खरीद लें? मैंने कहा ना, लो रखो इसे। देखिए ऐसा है कि प्रदाश्री हमारे साथ चलिए, हमको विलम्ब हो रहा है, पिताश्री भी हम दोनों की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। क्या बोला? मेरे लिए नया नहीं है। हे तुम तो नहीं, रुको भाई थोर, मैं आपसे पहले भी बोला हूँ ना, घर से बाहर हमें नॉर्मल हिंदी में ही बात करनी चाहिए, नहीं तो कोई भी आपकी बातों को समझेगा नहीं। अरे यार भूल गया था, मैं ये कह रहा था कि जल्दी चलो, पापा जी इंतजार कर रहे होंगे। मैं नहीं आने वाला, अब जाओ यहाँ से। अगर तुम मेरे साथ चलना नहीं चाहते तो युद्ध करो मुझसे, लड़ाई करो मुझसे। हमारी दुकान, तुम्हारी इतनी हिम्मत। मेरी गलती के लिए मुझे माफ करना। माफ करना? इसका जवाब तो मुझे नहीं आता, आज तक मुझसे कभी किसने तमीज से बात नहीं करी, अब इसे क्या बोलूं? कोई नहीं, हम देख लेंगे, आप जाइए। ये ठीक तो है ना? हाँ हाँ ये ठीक है। ये हैप्पी दिवाली सबको। यहाँ आग लगी है और तुम्हें मस्ती सूझ रही है, जाओ फायर ब्रिगेड को बुलाओ जल्दी। अरे जब पटाखे जलते हैं तो तुम इंसान एक दूसरे को विश करते हो, मैंने भी तो यही किया, कामा कहाँ भड़क रहा है, तुम इंसानों के बहुत नखरे हैं। तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? दुकान बर्बाद हो गई तुम्हारी वजह से, अब उस दुकान के पैसे तुम खेती करके कमाओगे। कभी नहीं, मैं सैयंस का राजकुमार हूँ, ये खेती वेती मुझसे नहीं होगी, भूल जाओ। पिंक कलर तुम्हारा फेवरेट है, बता दूं सबको। क्या दिन आ गए हैं सैयंस जाति के, कैकरोड को खेत का बैल कहा था, अब खुद खेती कर रहा हूँ, ये सैयंस जाति के लिए इंसाफ नहीं है। लेकिन रुको कैकरोड, मैं तुमसे खेती में भी पीछे नहीं हटूंगा, बस देखते जाओ। अब उस दुकान के पैसे तुम खेती करके कमाओगे।